एनएसयूआई का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनके छात्र नेता को पीटा है, जिसको लेकर आज आगरा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर इसका विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। है कि सरकार भी इन संविधान के आधार पर ही चलेगी। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो, हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार हो। जो भी अगर इस देश के अंदर कुछ भी होता है, हर चीज लोकतंत्र के आधार पर होना चाहिए। देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, हर एक धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। हमें इसको याद रखना होगा और संविधान के आधार पर ही देश चलेगा। गैर संवैधानिक तरीके से ना हम चलने देंगे किसी भी कीमत पर। तो हमें सरकार से निवेदन है कि संवैधानिक ताकतों से माने, छात्रों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। जिस प्रकार से JNU से लेके AMU से लेके गुजरात से लेके पूरे देश में लाठी के दम पे जो सरकार ये चलाना चाह रही है देश को, हम नहीं चलने देंगे। ये देश संविधान के आधार पे चलेगा। इस प्रकार से लगातार पूरे देश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं चलने वाला है। हमारा संविधान कहता है कि हम संविधान को माने। संविधान याद देता है हमें विरोध करने की, संविधान याद देता है हमें किसी भी धर्म को मानने की, संविधान याद देता है हमें कुछ भी बोलने की। अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता हमारी संविधान में दी हुई है। लेकिन यहाँ जो आज के वर्तमान में हो रहा है, चाहे वो JNU से लेके AMU तक की बात हो, जामिया से लेके गुजरात में NSU के छात्र को पीटने की बात हो, लगातार हिंसा की जा रही है और हम इसका विरोध करते हैं। इसी के संबंध में आज NSU द्वारा यहाँ संविधान की शपथ ली गई है, ताकि ये देश संविधान से चले।